अरे प्रणाम सुधीर भैया। प्रणाम प्रणाम अनुज, क्या हालचाल भाई? बस ठीक ही है, आप बताइए कैसे हैं? बस ठीक है अनुज। आई कौची रोज रोज मर तो कागज पत्तर लेके बैठ जाते हो तुम। ये अपना वो प्रसार और जांच वाला फार्म है, ये भरना तो आसान है पर डर लगता है कहीं गलत हो गया तो। जानकारी तो हमको भी है भाई, लेकिन यही है कि कोई अगर बता देता तो फार्म आसानी से भरा जा सकता था। हाँ। अब लेकिन बताएगा कौन? हाँ अरे हाँ, वो जो अपने ट्रेनर भैया हैं उनसे पूछते हैं, उनको जरूर मालूम होगा। अरे हाँ हाँ, उन्होंने तो हमारी ट्रेनिंग कराई थी, उन्हें तो जरूर पता होगा फार्म भरने के बारे में, उनसे ही पूछते हैं। ठीक है, हम अभी ट्रेनर भैया को फोन मिला करके पूछते हैं। हेलो, प्रणाम प्रणाम ट्रेनर भैया। प्रणाम प्रणाम, हम सुधीर बोल रहे हैं सुजावलपुर गाँव से। हाँ सुधीर, बताओ कैसे हो, सब काम ठीक से चल रहा है ना? जी सब ठीक से चल रहा है, पर एक जानकारी चाहिए थी। जी भैया, वो प्रसार और जांच वाला जो फार्म है उसको ठीक से कैसे भरा जाए इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखो सुधीर, आप लोग नए वीआरपी हैं तो फॉर्म भरने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके ही गाँव में आभा दीदी है जो पुरानी वीआरपी है, वो आपको न सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया बल्कि प्रसार से पूर्व की तैयारी, प्रसार और जांच की प्रक्रिया सबके बारे में जानकारी दे सकती हैं। आप जाके उनसे मिल लीजिए। जी ठीक है, हम आभा दीदी से ही पूछ लेंगे। प्रणाम, चलिए चलते हैं। चलिए। जैसा भी होगा बता देंगे, आभा दीदी से पूछेंगे फॉर्म कैसे भरा जाता है और हिसाब से कर लेंगे। अरे वो रही आभा दीदी, लगता है किसी समूह की बैठक में जा रही है। प्रणाम आभा दीदी। प्रणाम प्रणाम, अरे क्या हुआ, बड़ी जल्दी में लग रहे हो तुम दोनों, सब कुशल मंगल है ना? जी दीदी सब कुशल मंगल, हम दोनों आप ही को ढूंढने आ रहे थे। हमको ढूंढने आ रहे थे, का है? वो दीदी बात ये है कि। अच्छा समझ गई, फार्म भरने में उलझ गए आप लोग। हाँ दीदी यही बात है, हमें फार्म ठीक से भरना बता दीजिए ना। अरे कोई बात नहीं, फार्म भरना बहुत सरल है। आप लोग एक काम कीजिए, कल सुबह हमारे घर आ जाइए, वहीं पर हम समूह के बाकी लोगों को वीडियो दिखाएंगे, उन्हीं के साथ हम तुम्हें भी अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है ना? ठीक है, आ जाएंगे। तो ठीक है फिर, कल सुबह 10 बजे, अभी हम चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम। अरे आ गए आप, चलिए 10 बजने ही वाले हैं, आज आभा दीदी से सीखने के बाद फार्म भरना और भी आसान हो जाएगा। चलो चलो, समूह के लोग भी आने ही वाले होंगे। आभा दीदी, आभा दीदी। प्रणाम आभा दीदी। प्रणाम प्रणाम, आ गए आप लोग, बाकी दीदी लोग भी वीडियो प्रसार के लिए आती ही होंगी, चलिए चलिए। दीदी हम थोड़ा पहले इसलिए आ गए थे ताकि कोई काम रह गया हो तो हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ खास काम बाकी नहीं रह गया है, हम कल ही सब तैयारी कर लिए थे। और हाँ आप लोग भी, जब बाकी लोगों को वीडियो दिखाइएगा तो एक दिन पहले से सारी तैयारी कर लीजिएगा, जैसे पी को चार्ज करना, और हाँ वीडियो को चला कर देखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझाया जा सके, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए जा सके। और हाँ ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि समूह के जो भी लोग
वीडियो देखने आने वाले हैं, उन्हें एक दिन पहले से समय और स्थान की याद दिला दी जाए। प्रणाम दीदी लोग, ठीक हैं? ठीक है। कल सुबह 10 बजे वीडियो देखने आना है, याद है ना? हाँ, आ जाइएगा कल सुबह, ठीक है, हमारे घर पर। अच्छा चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप लोग? कल सुबह 10 बजे वीडियो देखने आइएगा, याद है ना? ठीक है, तो कल सुबह 10 बजे हमारे घर पर। अच्छा चलते हैं। प्रणाम। और हाँ, हर वीडियो को दिखाने से पहले उसकी अति आवश्यक बातें लिख लीजिएगा, साथ ही उसे समूह के सदस्यों को भी अच्छी तरह से समझाइएगा। पर दीदी, ये अति आवश्यक बातें क्या होती हैं? हर विधि की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिन्हें अगर समूह के सदस्य पूरी या ठीक तरह से नहीं अपनाएंगे तो वह विधि सफल नहीं होती है। और दीदी, अगर इस विधि में कोई एक बात छूट गई तो क्या होगा? किसी भी सदस्य ने अगर एक भी अति आवश्यक बात को पूरी या ठीक तरह से नहीं अपनाया तो उन्हें उतना फायदा नहीं होगा जितना कि इन सभी अति आवश्यक बातों को अपनाने से होता। दीदी, पर हर विधि की कौन सी अति आवश्यक बातें हैं, ये कैसे पता चलेगा? हर वीडियो के अंत में अति आवश्यक बातें लिखी होती हैं, जिन्हें हमें अपने रजिस्टर पर भी लिखना होता है।